Hello guys, today we will learn how to solve numerical problems based on mentor factor I. In my previous lectures, I have already told you about this mentor factor. First I will write formulas. P naught minus PA upon PA naught is equals to IXB. Second formula is del TB is equals to IMKB. Third formula is del TF is equals to IMKF. And fourth formula is pi is equals to ICRT. As I've already told you in my previous lecture that these things, these values of colligative property are the calculated values. And these value of colligative property, these are experimentally observed values. So just to equate, just to make calculated colligative property equal to the experimental colligative property, we have to multiply these results with a number which is known as I, so as to get experimental colligative property. अब देखिए, numericals आपसे किस तरीके के पूछे जाते हैं इस concept पे. यहाँ ये चार formulas मैंने लिखे हैं, उसके अलावा दो और formulas हैं. डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, एंड एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन. अब ये चार फॉर्मूले और ये दो फॉर्मूले मिला के छह फॉर्मूले से आपसे वेल्थ ऑफ फैक्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे. आपको सिर्फ टेक्निक सीखनी है कि कैसे करना है. देखिए, इनमें हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है. कैटेगरी वन, हमसे पूछा जा सकता है नेचर ऑफ सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अब ये जो हमने डेटा के थ्रू वैल्यूज कैलकुलेट किए गए हैं, हमें डेटा दिया जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्यूट है, वो सारी डिटेल्स यहाँ एक्सपैंड करेंगे फॉर्मूले को तो यहाँ इस जगह या फिर इस जगह पुट हो जाएंगी, और फिर उसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. अब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ध्यान देना पड़ेगा वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा. वो कहेगा अगर इतना सोल्यूट इतने सॉल्वेंट में डाला गया, सोल्यूट भी अब आपको बताएगा कौन सा है ताकि आप मोलर मास भी नोट कर सके. तो ये सारा मसाला उसने किस चीज का दिया है कि उसने आपको एक्स बी आई एम के बी आई एम के एफ या सी आर टी कैलकुलेट करने की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं. तो आपको कहेगा जब इतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला जाता है जिसके लिए के बी वैल्यू ये है, सोल्यूट का मोलर मास ये है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना डिग्री एलिवेट हो जाता है ना. अब जो उसने ये चीज बोली कि बॉइलिंग पॉइंट इतना डिग्री एलिवेट हो जाता है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कैलकुलेशन का डेटा भी उसने दे दिया. अब आपसे पूछता है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ सॉल्यूट, द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सॉल्यूट. तो आप उसके एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिजल्ट को कैलकुलेटेड वैल्यू से जरा कंपेयर करें. अगर दोनों सेम आता है तो आई की वैल्यू वन हो जाएगी. आई वन होते ही नेचर ऑफ सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और अगर आई की वैल्यू वन नहीं होती है तो नेचर ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमारा कैलकुलेटेड रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व प्रॉपर्टी से मैच नहीं होता है. तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें वो कहेगा ये इसमें से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वो कह सकते हैं हमने ये कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की ली है, आर की वैल्यू दे देंगे एट दिस टेम्परेचर, सो द ऑस्मोटिक प्रेशर वॉज फाउंड टू बी दिस. तो फाउंड टू बी मतलब इट वॉज इट वॉज नॉट द कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, इट वॉज द मेजर्ड वैल्यू, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू. सो यू हैव टू कम्पेयर सीआरटी का रिजल्ट विद दैट ऑफ पाई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई. इफ द आई इज वन दैट मीन्स कैलकुलेटेड रिजल्ट इज एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा, सो आई इज इक्वल्स टू वन एंड द सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. बट इफ इट डजंट मैचेस देन आई इज नॉट इक्वल टू वन एंड द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इट मे एसोसिएट और इट मे डिसोसिएट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू वेदर इट इज ग्रेटर देन वन और इट इज स्मॉलर देन वन. यू हैव टू कंक्लूड वेदर इट्स अ केस ऑफ डिसोसिएशन और इट्स अ केस ऑफ एसोसिएशन. कैटेगरी टू, किस तरह के सवाल आ सकते हैं इस कंसेप्ट पे, तो वो ये आ सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टी इटसेल्फ। और से पूछ सकता है हमने इतना सोल्यूट डाला, इतने सॉल्वेंट में डाला, केवी की वैल्यू ये थी, सारी डिटेल्स देगा और वो आपसे कहेगा बताइए बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे बेस्ड है। बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा अगर हम इतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इतने सॉल्वेंट में डालते हैं, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है और रिलेटिव बोरिंग भी कैलकुलेट करने बोल सकता है। यानी आपको ये डिटेल्स दे दी और आपसे पूछा कि बताइए जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, क्या रिलेटिव लोडिंग क्या आएगी। बट फॉर दैट यू नीड द वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि आई के बिना अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इट मेक्स नो सेंस। अब आई कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ दो और फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं, एक है डिसोसिएशन एक एसोसिएशन। सोल्यूट डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है ये आपको सोल्यूट देखते ही पता लग जाएगा। जैसे सपोज सोल्यूट है NaCl जिसके होते टुकड़े दो Na प्लस एंड Cl माइनस, या फिर सोल्यूट है K4FeCN6 इसके कितने टुकड़े होते हैं, चार पोटेशियम आयंस और एक फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4 माइनस। कितने टुकड़े हुए, चार पोटेशियम और एक ये N की वैल्यू 5। कितने टुकड़े हुए, एक सोडियम एक क्लोरीन N की वैल्यू 2। यहाँ आपको पता पड़ रहा है कितने टुकड़े हो रहे हैं। अब जरा देखिए ये केसेस डिसोसिएशन के हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो आपको अपने आप ये आइडिया लगने लगेगा कि सोल्यूट डिसोसिएट होता है या फिर सोल्यूट एसोसिएट होता है, ये आइडिया आपको खुद लगने लगेगा। अगर वो डिसोसिएट होता है तो सोल्यूट को देख कर ही आप पता लगा लेंगे कि वो कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता है, जैसे KCl K+ Cl- माइनस यानी दो पार्टिकल्स में, कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम आयन एंड टू नाइट्रेट आयन यानी कि तीन पार्टिकल्स में। तो इन सबकी N की वैल्यू और केस कौन सा है वो सोल्यूट को देखने से पता लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप सोचे कि पहले सवाल में पता लगेगा तो नहीं लगेगा, आप चार पांच छह सवाल करने लगेंगे देन आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि वो डिसोसिएशन एसोसिएशन एंड N की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। अब सपोज आपने ये पता लगा लिया कि भाई ये केस ऑफ डिसोसिएशन है, आपने N भी पता लगा लिया, आपको अल्फा वो देगा। अब बात आती है अल्फा के नाम पे वो बोलता है 30% डिसोसिएटेड, 50% डिसोसिएटेड, 80% डिसोसिएटेड। 30% डिसोसिएटेड मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 0.3, 80% डिसोसिएटेड अल्फा इज इक्वल्स टू 0.8, 100% डिसोसिएटेड अल्फा इज इक्वल्स टू 1। इन दिस केस, दिस पर्टिकुलर केस, when he says, when the question says that the solute is completely dissociated, shows complete dissociation, then alpha is considered as 1. And in this formula, when alpha is considered as 1, I minus 1 is equals to N minus 1. I is equals to N, yani N ki value hi I ki value ho jayegi complete dissociation mein. Video ko pause karke ye cheez note kar le कि जहां पे सोल्यूट का कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है वहां पे जो N की वैल्यू है वो ही I की वैल्यू है। पॉज करके जरूर ये नोट कर लें, लिख लें द वैल्यू ऑफ N इज सेम एज दैट ऑफ I इन द केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। तो एनीवेज अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, N ही I है, N ही I। लेकिन अगर अल्फा उसने परसेंटेज की टर्म्स में दे रखा है, आप इसको अल्फा की टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए और फिर अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, एन की वैल्यू पुट कीजिए, आई को कैलकुलेट कीजिए, आई को इधर लाइए, ये डिटेल्स आपको गिवन होती है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आप निकालने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ से आई निकालना है, यहाँ रख के ये कैलकुलेशन तो आप पहले की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको भी कर चुके हैं, अच्छे से आप जानते हैं कि किस तरीके से एक्स बी को सॉल्व किया जाता है, एम के बी को सॉल्व किया जाता है, एम के एफ को सॉल्व किया जाता है, सी आर पी को सॉल्व किया जाता है। तो ये कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस आपको है, बट आई निकालना है अब अल्फा और एम की मदद से। और अगर केस एसोसिएशन का है तो भी आपको आई निकालना है अल्फा और एम की मदद से। इन द सेम वे अगर वो आपको एसोसिएशन का बोलता है 30% एसोसिएटेड है अल्फा 0.3, 40% एसोसिएटेड है अल्फा 0.4, 60% एसोसिएटेड है अल्फा 0.6। तो इस तरह से आप अल्फा एन मतलब कितने एसोसिएट हो रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, अगर दो एसोसिएट हो रहे हैं वो डाइमराइज टर्म यूज कर सकता है तो एन की वैल्यू वहां 2 आएगी, तीन एसोसिएट हो रहे हैं वो ट्राइमराइज यानी कि 3, एन की वैल्यू 3, चार एसोसिएट हो रहे हैं टेट्रामराइज एन की वैल्यू 4। तो अल्फा और एन अगर आपको पता है तो इधर से आई निकालिए, इधर रखिए, ये कैलकुलेशन का डेटा आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है,
आप एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आ सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि आपसे मैंने जब क्लास में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकलवाया, आपने कहा मैम 4 डिग्री सेल्सियस और आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपने आके मुझे रिपोर्ट किया कि मैम वो रिजल्ट नहीं ला चुका, एक्चुअल एलिवेशन वॉज 8 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि वो NaCl था, वो सोल्यूट हमने जो कंसिडर किया था दैट वॉज NaCl। NaCl कम्प्लीटली अगर डिसोसिएट होता है तो उसमें एन की वैल्यू 2 है तो I भी 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 को आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यानी 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए। तो दिस इज हाउ द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड इफ यू नो द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। And third type of numericals which are commonly asked are the amount of solute to be added to a given amount of solvent so that the freezing point is depressed by say x degrees or the boiling point is elevated by say y degrees or the osmotic pressure should have z value or the relative lowering values are given. So what he asks in the question? The question asks you about calculate कि आप कितना सोल्यूट एड करें कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली इतना बढ़ जाए या फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली जब लैब में कैलकुलेशन चल रहा है इतना घट जाए या ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ये आ जाए। बट ही इज नॉट आस्किंग अबाउट ही इज नॉट आस्किंग यू अबाउट द कैलकुलेटेड रिजल्ट। He asks you about the experimental results. He wants you to find out the real, actual experimental result of colligative property. But again, what is required? See, I'm taking example of anything you can take. I'm taking example of delta TF. Delta TF is equals to I. I'm expanding the this formula for M. WB upon MB. Excuse me. W in kg, then kf. Now what he wants to find out? He wants you to find out the value of kb. How much of solute should be added to the given amount of solvent? And the molar mass of solute is already given to you. The freezing, this freezing constant is already given to you. And he wants freezing point to be depressed by known degrees. He wants you to add, he wants you to find out the quantity of solute which should be added to depress the freezing point of solute by given degrees. So this is known, this is known, this is known, this is also known. Now I would be calculated by alpha and n again, whether it's the case of dissociation or it's the case of association, I can be calculated with the help of alpha and n, and that I will be put here and WB will be calculated. The formula will be derived in terms of WB. WB is equals to delta TF into MB into WA upon I into KF. मैंने आपको freezing point वाला formula expand करके बताया। The same way आप boiling point भी expand कर सकते हैं, आप relative lowering भी expand कर सकते हैं, osmotic pressure भी expand कर सकते हैं। Let me show you one more example. I is equals to I C is expanded as WB upon MB into volume in liters into R into T. In my third category, the question asks you about find the mass of solute which should be added to given volume of solvent at a given temperature, and the molar mass of solute is already given to you, so that the osmotic pressure the measured value of osmotic pressure is this. वो आपको बता देता है कि मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर इतना चाहिए, मैं कितना सोल्यूट ऐड करूं। आई कहां से निकालेंगे? आई यहां से निकालेंगे और उस आई को इधर पुट करके डब्ल्यू बी की टर्म्स में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल। फोर्थ कैटेगरी है फाइंडिंग एल्फा। नाउ चीजें रिवर्स होंगी। अब इस बार आपको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए जब क्वेश्चन डिजाइन होता है तो इट इज डिजाइन इन सच अ वे दैट
जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यूज कैलकुलेशन का जो डेटा होता है यानी WBMP WAMP whatever it is वो आपको दिया जाता है क्वेश्चन में. कैसे दिया जाता है? इतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट को इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब हम डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिफरेंस होता है, या फिर तो बॉइलिंग पॉइंट इतना एलिवेट होता है, या फिर इतना ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है, या फिर ये रिलेटेड टॉपिक ऑफ वेपर प्रेशर आती है. अब जब उसने आपको ये पोर्शन दे दिया कि कैलकुलेट कर लीजिए रिजल्ट, ये पोर्शन दे दिया कि ये सब करने से ये वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली जाती है, तो आपको आय की वैल्यू इन दोनों के कंपैरिजन से निकालनी है. उस आय की वैल्यू को यहां रखना है. एन आपको देखने से ही पता लग जाता है सोल्यूट को, एंड आप अल्फा निकाल सकते हैं. तो ये वाला जो फाइंडिंग अल्फा है, ये इसमें क्या करना है? इधर से आय निकालना है, इधर को. फाइंडिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या करना है? इधर से आय निकालना है, इधर पुट करना है. देखिए इस लेक्चर को ठीक से सुनिएगा, ज्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चंस वैट ऑफ फैक्टर पे पूछे जाते हैं, बट रिफ्रेशर्स में बहुत कंफ्यूज कर दिया जाता है. आपको मैं बहुत बेसिक टेक्निक बता रही हूँ, आपको ये चार फॉर्मूले याद करने हैं, ये दो फॉर्मूले याद, बस दैट्स इट. अब आपने क्या करना है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, आप आय निकाल सकते हो. आय को यहाँ रखे, एन आपको सोल्यूट देखते ही पता लगता है, अल्फा निकल जाएगा. और अगर आपको अल्फा दिया है तो अल्फा और एन की मदद से आई निकल जाएगा, यहाँ डलेगा. इस डेटा को आई से मल्टीप्लाई करके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है तो आई को यहाँ से सॉल्व करके इधर पुट करना है, और जब अल्फा निकालना है तो इन दोनों के कंपैरिजन से आई निकाल के इन फॉर्मूलाज में पुट करना है, एज सिंपल एज दैट. तो ये दोनों तो बहुत ही एक दूसरे से रिलेटेड है, या तो आय इन दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकलेगा, मतलब कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की कंपैरिजन से आय निकाल के इधर रखे, अल्फा फाइंड आउट करें, या फिर अगर आपको अल्फा पता है तो अल्फा और एन की मदद से आय निकाले, यहाँ पुट करें तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये इस तरह से बहुत सिंपल हो जाते हैं. छह फॉर्मूला के यूज से आप हर तरह का न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक वैंड ऑफ फैक्टर आय सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं आगे आपको बताती हूँ इलस्ट्रेशंस करके कि किस तरह से ये फॉर्मूलास हमारे यूज में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेंटर फैक्टर आय. यहाँ पे पहली कैटेगरी मैंने डाली है, व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड नेचर ऑफ सोल्यूट वेदर इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट और इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूट, यू हैव टू फाइंड आउट आय. द वैल्यू ऑफ आय मीन्स दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैचेस विद दैट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, सो इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. व्हाइल इफ आय इज नॉट इक्वल्स टू वन, that the then it means that the calculated value doesn't match with the observed one, so the either it may be case of dissociation or it may be case of association. So let's start with numerical number 1. 0.1 mole of sugar dissolved in 1 kg of water, depression and freezing point was found to be itna means experimental value. Wo aapko bata raha hai ki agar humne 0.1 mole of sugar ko 1 kg वाटर में डिजोल्व किया तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इतना पाया गया. अब आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अबाउट मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ शुगर, यानी कि वो आपसे पूछा इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फॉर्मूला आपके सामने है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ न्यूमेरिकल में पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अंडरलाइन करके मार्क भी कर लीजिए, तो ये बहुत ईजियर जॉब हो जाएगा न्यूमेरिकल करना. तो हमारा फॉर्मूला है ΔTF = IMKF. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. ΔTF की वैल्यू जो आई, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखती हूँ, इधर कैलकुलेटेड वैल्यू लिखती हूँ. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 0.186 केल्विन इज इक्वल्स टू आई इनटू मोलालिटी होती है मोल पर केजी, तो ये तो 0.1 ही है, 0.1 क्योंकि 0.1 मोल इन 1 केजी ऑफ वाटर है, दैट मीन्स मोलालिटी भी 0.1 है. इंटू के एफ है 1.86. अब आप देख सकते हैं 0.186 विच इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैचेस विद दैट ऑफ 0.186. द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैचेस विद द कैलकुलेटेड वैल्यू, सो हेयर आई कम्स आउट टू बी 1, विच मीन्स इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज द कंक्लूजन दैट द सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर ये आय 1 नहीं आता
तो आप ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, और आय की वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी है उस बेसिस पे आप एसोसिएशन या डिसोसिएशन भी कंक्लूड करते हैं। आगे चलते हैं कैटेगरी नंबर सेकंड, फाइंडिंग डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन। फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन व्हाट डू वी हैव टू डू, मैंने आपको बोला था 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, आपसे पूछ रहा है अल्फा। अब आप अल्फा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप सोल्यूट देख लीजिए, ये एसोसिएशन का केस है, दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशन। तो वेन इट इज अ केस ऑफ एसोसिएशन तो फॉर्मूला अल्फा वाला कौन सा यूज होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन, ये फॉर्मूला यूज होता है। अब यहां देखिए आप, दो एक्स एक्स टू बन रहे हैं, इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ टू है, ठीक है। एंड ये इसका डेटा पूरा इसने हमें जरूर दिया होगा, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सब्सटेंस एक्स जिसका मोलर मास यानी कि एम बी 94 है, मैं लेबल साथ साथ जरूर करती हूँ और मैं आपको भी यही राय देती हूँ कि जरूर साथ साथ लेबल करें, फॉर्मूला लिखें, इजी हो जाता है। एसोसिएट सेज दिस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन CCl4 इफ 10 ग्राम ऑफ एक्स, अब ये गिवन मास आ गया, 10 ग्राम ऑफ एक्स यानी कि डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रहा है, इज डिसॉल्व्ड इन 2 kg ऑफ CCl4, ये आपको डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रहा है यानी सॉल्वेंट कितना है। फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डेल टी एफ, अब ये डेल टी एफ की वैल्यू आपने इधर डालनी है तो ये आ जाएगी आपकी डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है 1.08 डिग्री सेल्सियस, ये डेल टी एफ की वैल्यू मैंने पुट के यहां से देख के इज इक्वल्स टू आई इंटू डब्ल्यू बी कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 94, कितने सॉल्वेंट में डाला है 2 kg, और के एफ की वैल्यू है 31.8 केल्विन kg पर मोल इज द यूनिट, यू हैव टू राइट यूनिट इन दिस एज वेल, आई एम नॉट राइटिंग इट राइट नाउ। देन फाइंड आउट आई बाय कंपेयरिंग द कैलकुलेटर रिजल्ट विद दैट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। सो यहाँ पे जब हम आई कैलकुलेट करेंगे तो आई की वैल्यू कैलकुलेशन से आएगी 0.638, इस वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है तो ये हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0.638 माइनस 1 अपॉन 0.5, 1/2 एन की वैल्यू 2 है माइनस 1, इससे अल्फा सॉल्व होगा 0.724 और वी कैन से दैट द सॉल्यूट इज 72.4% एसोसिएटेड, इट शोज द एसोसिएशन ऑफ 72.4%, दैट मींस ऑफ द टोटल सॉल्यूट 72.4% is found in the associated form. Moving on to the next category, we have to find out colligative property. Now read the question carefully. Just pause the video and try to read it yourself. A decimolar, decimolar means 1/10. दो units होती हैं deci and deca. Deci होती है 1/10, deca होती है 10. तो a decimolar solution of potassium ferrocyanide. अब आपको potassium ferrocyanide जरा थोड़ा सा rewind करके lecture को देखिए. इसके लिए n की value 5 होती है. यहाँ मैंने note भी कर रखी है. N की वैल्यू 5 होती है, ये पोटेशियम फेरोसाइनेट का डिसोसिएशन है। देखिए बार बार प्रैक्टिस करने से और अलग अलग तरीके के सोल्यूट्स पे क्वेश्चन करने से आपको ये सब चीजें बहुत इजीली आ जाएंगी, अभी आपको नहीं आती है इसलिए मैं ये शो कर रही हूँ। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट जिसके लिए N की वैल्यू 5 होती है, इट इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन। पोटेशियम फेरोसाइनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आपको याद ही रहता है कि डिसोसिएशन का केस है, N की वैल्यू 5 है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ये फॉर्मूला रहा पाई इज इक्वल्स टू आईसीआरटी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पाई इज इक्वल्स टू आईसीआरटी। अब आई तो हमारे पास है नहीं, तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि ये देखिए मैं फॉर्मूलाज निकालती हूँ, अगर आपको अल्फा पता हो, अगर आपको अल्फा पता है एन पता है तो आई यहां से निकाल के यहां डालिए, अगर आपको ये दोनों पता है तो आई यहां से निकाल के यहां डालिए, तो या तो वो आपको संभव आपको कहीं से आय निकाल के बस इधर उधर शिफ्ट करना है इन 6 फॉर्मूलाज में। तो चलिए यहां हमको क्या पता था, अल्फा और एन, तो आय हम निकालेंगे, आय इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू आय माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, अल्फा कितना है 50% यानी 0.5 इज इक्वल्स टू आय माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू है 5 माइनस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो आई की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, 3, इस 3 को यहां डालिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए डेसीमोलर है तो इसका मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1/10 एम है, तो मैंने डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन डाल दी, आर की वैल्यू 0.083 है और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, ये रहा, तो ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी है,
ये डेटा हम पहले के क्वेश्चंस में भी यूज करते आए हैं, हमने आय नया निकालना सीखा है इन फॉर्मूलाज के थ्रू। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो पाई हमारा आएगा वो आएगा 7.38 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच शुड बी एडेड टू गेट द डिजायर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इन सर्टन हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज फाउंड टू बी 95 डिग्री सेल्सियस, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एनिसिल मस्ट बी एडेड। वो कह रहे कि कितना एनिसिल एड करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट हिल स्टेशन पे 95 पहुंच गया था वो वापस 100 पहुंच जाए, तो कितना एलिवेशन चाह रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट में, 5 डिग्री का। इसका मतलब उसने आपको डेल्टा टी बी 5 डिग्री दे दिया, वो 5 डिग्री का एलिवेशन चाहता है और वो आपसे पूछ रहा है कि कितना सोल्यूट एड करें कि इतना एलिवेशन हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, वो आपसे बोल रहा है एम को एक्सपैंड करने को। चलिए एक्सपैंड करते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी इंटू के बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज दे रखी है, हाउ मेनी ग्राम, डब्ल्यू बी सॉल्व करना है, डब्ल्यू बी सॉल्व करना है। NaCl जो है इसका मोलर मास हमें ऑलरेडी मालूम होता है, 58.5 इसका मोलर मास होता है NaCl का। तो चलिए सॉल्व करते हैं, WB के टर्म्स में हम फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं, WB इज इक्वल टू डेल टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी डिवाइडेड बाय आई इंटू के बी। Assuming NaCl completely dissociated, अभी मैंने आपको बताया था कि complete dissociation के केस में, in the case of complete dissociation, in the case of complete dissociation, N ही I होता है। अब NaCl के लिए N की value 2 है तो I की वैल्यू भी NaCl के लिए 2 हो जाएगी, तो ये आ गई हमारे I की वैल्यू। वैल्यूज पुट करते हैं, डेल टी बी है 5 इंटू मोलर मास है 58.5, 1 के जी ऑफ वाटर में हमने ऐड किया है, डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 2 है और KB की वैल्यू 0.52 है। बहुत सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आएगा 281.25 ग्राम्स। सो दिस इज हाउ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वैंटो फैक्टर I are done and they are very simple. I repeat once again, you just have to learn these 6 formulas. Either calculate I using these 2 formulas, put I here, then find the thing which is asked, or find out I by comparing the calculated and the observed value of colligative property, put the value of calculated I here, then find out alpha.